बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइफ राम चकवाल ट्रस्ट का स्टूडियो से ख्वाजा बाबर सलीम आपकी खिदमत में हाजिर है। तो बारा जी कंट्रोल रूम में आरब महमूद कौकर ख्वाजा वकार सही बिलाल हुसैन और रजान भट्ट सही वैस ये सारा प्रोग्राम आपकी तरफ ये पहुँचा रहे हैं। तो बारा जी अभी ये मुल्क में जो सारा इंतजामी जुडिशियल सारा मतलब एक दूसरे के उधर लगे हुए हैं। तो बारा जी कल थोड़ी सी ये खुशगवार सूरतहाल पैदा हुई कि वो जस्टिस फाइज ईसा और उमर अता बंदयाल के दरमियान चीफ जस्टिस ये दो मुलाकातें हुई हैं और उसमें कुछ मामला तो बारह ये तो यही की जा रही है कि कोई मामला आप आगे कोई मुदाखरात की तरफ ही और मिल बैठ कर कोई रास्ता निकालने की होगी। तो बहरहाल ये इस हवाले से तो सियासी सूरतहाल बहरहाल बड़ी कशीदा है। तो बहरहाल इधर जिला चकवाल में भी ये पीटीआई के टिकटों पे ये सब की लग रहे हैं कि भाई उधर से क्या, हालांकि सोशल मीडिया पे ये चार नाम जो है ना ये गर्दिश कर रहे हैं कि पी पी इक्कीस पर सरदार अफ्ताब अकबर, पी पी बाईस पर राजा तारक अब्दुल कालस, पी पी तेईस पर पीर निसार कासम और पी पी चौबीस पर हाफिज अमार यासर, ये तकरीबन भाई फाइनल हो गए हैं। मगर कल ये सरदार अफ्ताब अकबर ने इस बात की तरदीद की और कहा कि हतमी फैसला और हतमी ऐलान को इमरान खान ने ही करना है। तो बहरहाल ये तय हो गया है कि वो जो हमने इधर से अलहमदिल्ला हमने बात की थी कि ये 21 पर राजा यासर की भी पूरी ख्वाहिश है कि ये सरदार अफ्ताब अकबर 21 पर लड़े, तो वो तकरीबन अभी ये जो नाम था हमने फाइनल हुए हैं तो उसमें पी पी 21 पर सरदार अफ्ताब अकबर ही फेवरेट बताए जा रहे हैं। तो बहरहाल जब तक हतमी ऐलान नहीं होता ये, क्योंकि अभी ज़रूरत ये कागजात नामजदगी का ये जो शेड्यूल है इसमें 20 अप्रैल को ये इंतखाबी निशान अलाट होने हैं, तो उससे पहले दो तीन दिन पहले ये टिकट उम्मीदवार का होना ज़रूरी है और जिसके पास टिकट होगा तो उसी को ही पार्टी का निशान जो है ना अलाट होगा। तो बहरहाल ये इसमें कोशिश तो पूरी यही होगी कि ये पी टी आई की ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिया जाए, क्योंकि अभी ये जिस तरह चकवाल में भी ये जो चार नाम अभी गैर सरकारी तौर पर सामने आए हैं तो बहरहाल सरदार गुलफार अली खान अब्दुल्ला पीर वकार हुसैन कलोनी और ये पूरा एक पी टी आई के अंदर एक पूरा एक धड़ा उसको कह लें, जिसमें हम बार बार इधर जिक्र करते रहे हैं कि ये राजा यासर और सरदार गुलफार अब्दुल्ला एक पेज पर नहीं है। तो ये टिकटों की तकसीम पे भी ये बिल्कुल ये जादू सा चढ़ कर बोला है और बिल्कुल उसमें सारा बिल्कुल वो कहते हैं ना वाश आउट वाइप आउट, ये सरदार गुलफार अब्दुल्ला के अली नासर भट्टी के पी पी 21 पर चौधरी तैमूर, इनका पलक भी सरदार गुलफार अब्दुल्ला ग्रुप से था, पी पी 22 पर पीर वकार हुसैन कलोनी तो बड़े विजिबल थे कि वो सरदार अब्दुल्ला के साथ हैं। तो ये दोनों सीटों पर ये बिल्कुल ये राजा यासर सरफराज की छाप नुमाया है और ये सरदार अफ्ताब अकबर भी उनके फेवरेट हैं और राजा तारक अफजल कालक से उनकी बरादरी है। दोबारा ये कल ऐसे इतलाती के उधर खानपुर में ये एक गैर रस्मी तौर पर अब्दुल्ला ग्रुप जो है इकट्ठा जुड़ा है और ये क्योंकि उधर उनको भी स्मेल तो आ रही है, सारा मामला सामने आ रहे हैं कि भाई ये 21 और 22 पे मतलब सरदार अब्दुल्ला ग्रुप के कोई भी मतलब है ना अली नासर भट्टी इधर 21 पे हुए हैं, 22 पे पीर वकार हुसैन कलोनी भी तकरीबन फारग है। दोबारा ये सन्याल साहब ये सारा ये जो अभी ये सारा उसमें तो ये बड़ा क्लियर है कि ये मेरा भी अंदाजा हम यही कह रहे हैं कि ये सरदार अब्दुल्ला बगावत करेंगे या क्या बीच में प्रेशर ग्रुप या किस तरह कोई सृष्ट में तो यही है कि बगावत मतलब पहले वो कर चुके हैं तो इसलिए हम सबका रिकॉर्ड देखते हुए क्योंकि रिकॉर्ड याफ्ता है तो वो हम रिकॉर्ड देखते हुए कह सकते हैं कि भाई ये मतलब इनको अच्छा ऑप्शन अगर अगर अभी ये दोनों जिस तरह अभी ये जो दो नाम फाइनल अगर यही टिकट होल्डर ऐलान अगर हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि आने वाले कौमी असेंबली के इलेक्शन में सरदार अब्दुल्ला भी फारिग है, जाहिर है मतलब अब्दुल्ला फारिग, जब ये कोई या तो उनके साथ दिलो जान से जिनको टिकट मिल गए हैं गुलफकार अब्दुल्ला और ये बाकी सारे कुर्बानी के बकरे जिन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी, अब पीर वकार जो है इसकी थोड़ी कुर्बानी है बड़ी, उन्हें मतलब पैसा लगाया अपनी जान लगाई जेल में भी गया, मतलब आपने बड़ा वाशगाफ बोला कि
ये क्राइटेरिया है कि वो पीर शौकत जो बन गया था वो जेल में गया था, बेनजीर भुट्टो ने गया, इन तीनों में से जेल कौन गया? उन्होंने कहा जी पीर शौकत, और वो जो जो था पीपल्स प्रोग्राम का एडमिनिस्ट्रेटर जो है ना लगा दिया, करोड़ों रुपए मतलब उन्हें फंड यहाँ पे तकसीम किए और डेवलपमेंट के जो काम किए, तो उस क्राइटेरिया पे भी मतलब पीर वकार पूरा करता है। अभी देखें ये जब आप मतलब सियासत करते हैं, जब जमाती सियासत आप करते हैं, तो उसमें फिर पसंद ना पसंद को एक तरफ करके मेरिट पे जो है ना वो जाना चाहिए। मेरे ख्याल में जो मेरिट पे इस वक्त है वो 22 पे वो पीर वकार है, क्योंकि उसने जेल भी गया है, उसने पैसा भी भेज दे रहे, और अपने इलाके में वो मुखैर मतलब मशहूर है, उसका रमजान में गांव गांव में ऐलानात शुरू हो जाते हैं कि जिस जिसने ज़कात लेनी है वो आके जो है ना उधर पहुंच जाए, आराम से वो ले ले। एक फंड जिसने मख़सूस किया हुआ है खसीर रकम का पीर वकार ने, अपने इलाके में ये मतलब मुखैर मशहूर है, तो उसको मतलब इग्नोर कर देना, वो जो दो बार पहले मतलब हार चुका है बंदा, उसके मुकाबले में पीर वकार को जो है ना वो चांस मिलना चाहिए। अपना दरवेश अब्दुल खालिक साहब, ये चलो बाइक में तो चलो पोटेंशियली थोड़ी सी आज नजर आती है, मतलब तारक अब्दुल खालिक भी पोटेंशियल कैंडिडेट है, बड़ा मुकाबला किया उसने सिर्फ 1400-1500 वोटों थे 2018 के इलेक्शन में, राजा तारक अब्दुल हारे थे। तो अभी ये जो चकवाल में ये अली नासर भट्टी और ये सरदार अफ्ताब अकबर, तो इन दोनों में से ये अगर सरदार अफ्ताब अकबर को अगर टिकट जिस तरह कह रहे हो रहा है, ये कोई मेरिट पे नजर आता है? मेरिट तो मैं ये समझता हूँ कि वो जो देखिए बहुत बेहतर होता कि यहाँ से अली नासर भट्टी को जो है टिकट मिलता, इसलिए भी कि देखें कि जो कुर्बानी के बकरे बेतहाशा जो बने हुए हैं, कुछ मेरिट जो है वो पार्टी के अंदर नजर आए। और दूसरा ये है कि अली नासर भट्टी, मैं ये तो नहीं कहता कि इज दी बेस्ट ऑप्शन, लेकिन एक बात ये है कि क्योंकि इनके वालिद जो हैं वो तहसील नाजम तो खैर ये भी रहे और उनका एक धड़ा भारल मौजूद है, लेकिन फिर भी जो नस्बतन ज़्यादा वोट ले सकने की जो सलाहियत है, नस्बतन ज़्यादा बेहतर कंपेन करने की जो सलाहियत है, वो तो इन्हीं आफ्ताब अकबर के अंदर ही है। लेकिन ये भी एक ज्यादा बेहतर था कि इनको इनके हलके में ही रहने दिया जाता, जो इनका ओरिजिनल हलका है और जिसके बारे में खान साहब जो पीटीआई के चेयरमैन कह भी चुके हैं कि जो जहां से जीता है वहीं से जो लड़ेगा। अब इस बात से उनको जो है पीटीआई की लीडरशिप को इस बात से कंसर्न नहीं होना चाहिए कि वहां पे इसका मुकाबला अपने चाचे से हो जाएगा या किसी बहुत ही करीबी रिश्तेदार से हो जाएगा। पीटीआई की लीडरशिप जो है, जो टॉप लीडरशिप का, उसको तो इससे कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। नहीं, अभी अभी ये जो जिस तरह अगर ये इसको तो राजा यासर अभी विनिंग कैंडिडेट थे ना 21 में, जब वो कह रहे हैं कि मेरी जगह ये अफ्ताब अकबर है, तो फिर इस बात में तो वजन है ना उनके, इस बात के अंदर वजन है। लेकिन अगर वो कल कहते हैं कि जी मुझे जो है कौमी असम्बली का टिकट दें, वो सारा बैलेंस खराब हो जाएगा ना। मैं ये समझता हूँ कि जुल्फकार अब्दुल्ला जो है उसको जिस अंदाज के अंदर आप लेकर आए थे, उसने भी बड़ा पैसा खर्च किया है। सरदार जुल्फकार अब्दुल्ला भी उन अफराद में से है कि जो जाती पैसे पे लोगों के तरक्याती काम कराता रहा है। मेरा ख्याल ये है कि इसकी जो रेपुटेशन है वो सियासत से पैसा बनाने वालों में नहीं है, बल्कि सियासत के ऊपर पैसा लगाने वालों के अंदर। अच्छा, ननिहाल साहब, ये चलो ये एक दो मेरे को वादे आना, चलो यही अगर हो गए तो चलो, अगर वो बगावत नहीं करते, कोई सौ तरीके होते हैं ना, तो यही अगर वो कहने झूम मार जाना, तो मतलब चलो जी तो फिर इसमें क्या पीटीआई का बयानिया फिर क्या होगा? फिर जो है ना हो सकता है वो जो यासर है वो ऊपर लेवल पे वो गेम करें कि मुझे सेनेट में अगर आप एडजस्ट कर दें, क्योंकि खान देखे ना उनके बड़ा मतलब करीब है, अगर वो कहे कि मैं सेनेट में जो है ना कर देता हूँ, तो फिर दुल्ले के लिए जो है ना वो मतलब खाली है मैदान जो है ना खाली है, और वो जो मतलब जिस तरह भी जीत के वो आए हुए हैं पीटीआई से, और वो परफॉर्म जो है ना वो बेहतर मतलब कर सकते हैं। पहली अभी देखें, आपने 20 को बोला है कि इनको अलाट हो जाने हैं, 20 से पहले, 20 से पहले अप्रैल से पहले अलाट हो जाने हैं इनको, और मई में 15 मई को 14 मई को डेट है इलेक्शन की, ये 25 दिन भी नहीं मतलब बनते, तो ये मतलब कंपेन देख लें अभी आपको कहीं पे भी मतलब नजर नहीं आ रही
किसी ने वो कॉर्नर जो है ना वो मीटिंग की हो अभी तक, मतलब वो क्यों कि उनको लग रहा है जो थोड़े से भी आंख रखने वाले मतलब लोग हैं कि जो अखबारात में बयान आ रहे हैं अभी आप कह रहे हैं कि उन्होंने नो कर दिया कि ना फंड भी नहीं है, इलेक्शन कमीशन सिक्योरिटी भी नहीं है, सिक्योरिटी भी नहीं है और ये इन हालात में जो है ना हम कासर हैं ये कराने अभी ये दरवेही साहब ये सारा जो अभी माहौल सारा बन रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बड़ी डिवीजन है, इन्होंने भी नो कर दिया, पार्लियामेंट को सामने खड़ा कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो ये 14 मई को कोई ऐसा इम्कान है कि कोई ये इलेक्शन होने को जा रहे हैं? किसी कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, एक पॉलिसी और स्ट्रेटजी के तहत जो है वो लोग आगे तो चल रहे हैं कि शायद हो ही जाए, लेकिन इवन चेयरमैन पीटीआई समेत जो है उनकी भी मैं बात करूं उनके जहनों के अंदर नहीं है कि 14 मई को इलेक्शन होने जा रहे हैं, और इसी वजह से अगर ये उनके देन में ये नहीं है तो फिर वो क्यों ये टिकटों का पंडोरा बॉक्स क्यों खोले? ये तो करे नहीं, ये पंडोरा बॉक्स नहीं है, ये कुछ हिस्से बात कदम के तौर पे अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो जाहिर है कि हमें प्रिपेयर्ड होना चाहिए, हमें सारे वो मराहल तय कर, और अगर फर्ज करें इलेक्शन थोड़ा ताखीर से भी हो जाता है, फर्ज करें मुज़ाकरात के नतीजे में इलेक्शन 2 महीने 1.5 महीना आगे भी चला जाता है, तो ये जो इन्होंने तैयारी कर ली है, ये जो इन्होंने टिकट बांट दिए फिर यही चलेंगे, मेरा ख्याल है कि वो इस प्रोसेस को और ये तासर भी नहीं वो देना चाहते, दे डोंट वांट टू शो कि हम बड़े सस्पिशियस हैं इलेक्शन, वो ये तासर भी नहीं देना चाहते, वो देखे ना कि जो पॉलिटिशियन होता है वो बड़ा कनिंग होता है, पॉलिटिशियन जो होता है वो बड़ा देखें बड़ा साइकोलॉजिकल वारफेयर होती है ये तो बहुत बड़ी, और इसके अंदर ना वो ये तासर देना चाहते हैं और वो साथ साथ तैयारी भी रखेंगे। मुझे जरा सी बात जुल्फकार अब्दुल्ला पे करने दीजिएगा, जुल्फकार अब्दुल्ला जहाँ तक मेरी अकल काम करती है अगर इसको टिकट पीटीआई नहीं देती है ये किसी सूरत नहीं बैठेगा, ये हर इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेगा, मुझे हाँ सिवाय एक अश्योरेंस के जो पहले ये कह चुके हैं हमारे दानियाल साहब कि अगर उनको ये अश्योरेंस चाहे उनको दे दें चाहे राजा यासर सरफराज को दे दें चाहे इनको दे दें, इसके अलावा कोई बात उन पर कारगर साबित नहीं होगी और उन्होंने हर सूरत में करना, उस बंदे के अंदर इतनी पावर और इतना पोटेंशियल है कि अगर वो खुद ना जीत सके तो वो उसको भी हरा देगा और कोई तीसरी पार्टी जीत जाएगी। जुल्फकार अब्दुल्ला जहां तक मेरी कैलकुलेशन, क्योंकि मैं तो बहुत ही जूनियर मोस्ट और बहुत ही अदना सी एक अकल रखने वाला एक बंदा हूं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि सरदार जुल्फकार अब्दुल्ला जो है वो अपनी सर्वाइवल की गेम समझ के वो कहेगा कोई बात नहीं अगर मैं एक दफा हारता भी हूँ तो मैं लोगों को वोट लेके सियासी जमातों को दिखाऊंगा कि भाई मैं अपने इंडिपेंडेंटली भी मैं इतने वोट ले सकता हूँ। वो जुल्फकार अब्दुल्ला बड़े दिल गुर्दे वाला का बंदा है, बड़ा पैसा लगाने वाला बंदा है। अच्छा अभी धन्यवाद PP23 में तो ये तो चलो एक फैमिली एग्रीमेंट के तहत हमने जिक्र किया कि उधर तो मेरे राम मतलब सरदार अफ्ताब अकबर तो बड़ी खूबसूरती के साथ 21वें आ गए एडजस्ट हो गए ना, तो यही आ रहा है कि वो 21 में वो ही है, अब 23 में अब उधर सरदार गुलाम बाग चलो वो तो सिक्का बांध उनका भाई हल्का है और बिल्कुल बड़ा मजबूत वोट बैंक है, तो वो अभी कह रहे हैं कि नहीं ये सरदार सुल्तान शानी जो उनके भाई हैं जिनको मैं अगर आप भी पता नहीं देखा है या मगर कोई ऐसा सियासी ऐसी मूवमेंट उनकी ऐसे नहीं है, इसके मतलब ये एक आम बंदा के ये सरदार सुल्तान शानी है इस माहौल में, फिर ये निसार कासम है उधर से अगर अब्बास नहीं है तो अगर वो मतलब भाई को ले आते हैं मतलब उस तरह भी नहीं, ये जब थे ना नाजम जली नाजम थे फिर इनका मतलब वो तोती जो है इनका वो बोलता था मतलब पूरे मतलब इलाके में पूरे मतलब डिस्ट्रिक्ट में सरदार अब्बास का के जिसके साथ एक दफा इशारा कर दिया तब 68 मतलब यूनियन काउंसिल थी उनमें इनका भरपूर मतलब जो है ना वो अमल दखल था, तो अब आके क्योंकि सरदार आफ्ताब अकबर उसका मेन जो है ना मोहरा था सरदार अब्बास का, जितने भी जलसे जितने भी जुलूस जितने भी इवेंट्स मतलब होते थे भरपूर किस्म के उसकी बैग पे सरदार आफ्ताब अकबर होता था, उसका मतलब रब्ता था वर्कर के साथ सरदार आफ्ताब अकबर का डायरेक्ट मतलब उनसे, तो वो बंदे इकट्ठे करने वो सारी गेम मतलब उसने सीखी सरदार आफ्ताब अकबर ने, अब आगे जब मतलब क्लैश हो गया
तो उसमें अब वो सारे लोग सरदार अब्बास के साथ नहीं है, चाहे उसमें चाहे इसमें, वो मतलब उसमें तफरका पड़ गया। जब बात आ जाएगी वोट की, तो चाहे वो सरदार अब्बास के अब्बास बोले के वो दे दें इसको हैदर को दे दें, तो वो हैदर को नहीं देंगे उसका जो वर्कर है, क्योंकि इसके मरासम सरदार आफ्ताब अकबर के वर्कर के साथ था। अभी लतीफाल ग्रुप का भी बड़ा नाम था, बड़े अरबों रुपए के सारे काम कराए हैं, एकदम वो पोटेंशियली सामने भी आए, मगर फिर जरा पीछे। तो इस इलेक्शन में अगर ये 14 मई को अब यही फर्ज करने के होने जा रहे हैं, इनका क्या रोल होगा लतीफाल ग्रुप का? यकीनन वो काम तो करेंगे पीटीआई के लिए, वो जो उनके जो है, और उनको ये भी है, उनके जेहन में ये अंदर बात उनके मौजूद है कि कल हम भी कोशिश करेंगे अपना इलेक्शन जो है वो लड़ने की, और अपना वो एक धड़ा बनाने की कोशिश पूरी, जैसे सरदार अब्बास का धड़ा है ना, वो पूरा एक अपना धड़ा बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, अपना जो एक उनका धड़ा है उसको लेके चलना, उनके जो अपने वोट्स हैं। नहीं, वो पीछे 3-3.5 साल तो सरदार अब्दुल्ला फिर लाइन अप थे ना, वो थे सरदार अब्दुल्ला इन द न्यू सिनेरियो जो है, अगर सरदार जुल्फकार अब्दुल्ला को टिकट नहीं मिलता, मेरा ख्याल ये है कि वो जुल्फकार अब्दुल्ला से जाती बजाय वो पीटीआई, क्योंकि उन्होंने देखना है ऊपर ऊपर, अगर किसी को देखना फैज उसको अपना, अगर अगर सरदार अब्दुल्ला रिपोर्ट करते हैं तो लतीफाल ग्रुप उनके साथ रिपोर्ट नहीं करेगा। लतीफाल ग्रुप की रूह रवा कौन है, उसकी स्पिरिट कौन है, वो ब्रेन चाइल्ड किसका है, ये सारी बातें हैं फैज अमीन की। और फैज अमीन का ताल्लुक डायरेक्ट खान से है, वो जुल्फकार अब्दुल्ला को कुछ समझते ही नहीं है, तो चूंकि वो खान से मुंसलिक है और पीटीआई खान की है, तो लिहाजा सर वो जो लतीफाल ग्रुप है वो जाहिर के बजाय सामने तो वही होगा, लेकिन जाहिर है कि उन्होंने वही जो ऊपर से डिक्टेशन उनको आनी है फैज अमीर की, कि भाई आपने तो पीटीआई के साथ रहना है, पीटीआई की मेन स्ट्रीम है, आपने उसके साथ रहना है, तो लिहाजा जुल्फकार अब्दुल्ला के पलड़े में अपना वजन सरदार उसको नाराज करके पीटीआई को नाराज करके कभी भी नहीं करेंगे। आप मतलब इनका जो है ना, जब इन्होंने ये दाखिल हुए हैं कि भी ये इन्होंने हिस्सा लेना लतीफाल ग्रुप ने, एक मतलब जोर शोर से उन्होंने मीटिंग भी शुरू की जो है ना, जमर खान ने जो है ना, हुआ ये है कि क्योंकि उन्होंने अपने इलाके में काम तो बड़े कराए हुए थे, गैस भी दी, बिजली भी दी, और सारे मतलब सड़कें भी दी, और जब उन पे एलिगेशन मतलब लग गया नायब तहसीलदार पे कि भाई इन्होंने गबन और एंटी करप्शन और वो सारे खुल गए वो सारे, तो अब वो किस मुंह से काबे जाओगे गालब, शर्म तुमको मगर नहीं आती, उन्होंने उस शहर के मिस्ताद अपने आप को मतलब पीछे सर्टिफिकेट भी ये ले लेंगे, कोई क्लियर सर्टिफिकेट भी ले लेंगे, अगर भक्ति हटे हैं कोई मैदान खुलता है। ये जो अभी नजफ हमीद है जो नायब तहसीलदार थे वो बैठे रहते, तो जबर बड़ी मतलब तेजी से वो जो प्रोग्राम था पीटीआई का, और वो स्वीप करते और वो पूरे उसमें छा जाते, क्योंकि ये जब चल गया केसेस मतलब खुल गए, मतलब उनको बैन कर दिया गया, तो उन्होंने कहा कि अब हम इलेक्शन में क्या मतलब जाके बोले, बारह जी चले अभी ये आइंदा 2-4 दिनों तक सूरत हाल मजीद वादा होकर सामने आएगी, तो बारह ये एक बात बिल्कुल बड़ी वादा और क्लियर है कि ये अवाम जिला चकवाल और तलागंग के क्या पूरे पंजाब के अवाम ये बिल्कुल इलेक्शन से लातअल्लुक हैं, और ये पूरी मरियम नवाज भी और पूरे शरीफ खानदान उधर जद्दा में इकट्ठा हो चुका है, अफजल लाख जामी भी उधर पूरे सरकारी मेहमान है, और मियां नवाज शरीफ की दावत पर वो भी उस काफले में शामिल हैं। तो बारह ये आने वाले दिनों में ये बड़ी गर्म गर्म खबरें और ये सारा इलेक्शन जो भी आज यकीनी सूरत हाल है, इलेक्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे, कब हो रहे हैं, बारह एक बात तो यकीनी है कि ये अक्टूबर में 12 इलेक्शन होने हैं, तो लगता यही है कि अल्लाह करे को ये सारे मिल बैठ कर कोई दरमियान वाला रास्ता निकाल कर एक मुतफिका एक ही इलेक्शन पर मुतफिक हो जाए। आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे आपकी खिदमत में, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।